Let's now have a look on the course outline. Course outline को देखकर आप अपने mind में एक framework set कर सकते हैं कि इस course में हम क्या contents cover करने वाले हैं। और साथ आप ये भी देखेंगे कि इन course की हमने कोशिश की है कि इन तमाम contents की आपकी field के साथ एक relevancy कायम की जाए। So first of all, introduction. Introduction part में हम अपने course का introduction, जैसा कि हमने first topic में पढ़ा. इसके अलावा introduction part में हम जो conventional financial management है, उसका सिर्फ introduction पढ़ेंगे. उसके जो बुनियादी concepts हैं, उनको देखेंगे. लेकिन हम उनकी technicalities में नहीं जाएंगे, because जैसा कि मैं पहले भी ये मेंशन कर चुका हूँ, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उन कॉन्सेप्ट्स को फोकस करेंगे जिनका ताल्लुक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से है. सो आफ्टर इंट्रोडक्शन वी विल लुक एट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एजुकेशन. इसको एक्सप्लोर करेंगे. लेटर ऑन वी विल स्टडी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एजुकेशन. स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज में यकीनन डिफरेंट प्रैक्टिसेस होंगी. हर एजुकेशन सिस्टम की अपनी एक प्रैक्टिस होगी, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि तकरीबन हर एजुकेशन सिस्टम में कॉमन है. उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. देन वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम्स यू नो आर इन प्रैक्टिस as far as the education system is concerned and as far as the financial management in education is concerned. So, hum dekhenge kaun-kaun se systems in place hain aur kya wo adequate hain, kya wo properly work kar rahe hain ya unme mazeed kisi improvement ki zarurat hai. After that, we'll look at budgeting and budget practices. With reference to educational institutes, we'll study different methods कि किस तरह budgeting की जाती है. एक authority से एक educational institute को किस तरह you know budget allocate किया जाता है. इन तमाम चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. After that, आप में से जो लोग इस वक्त educational institutes में काम कर रहे हैं, उन्होंने ये टर्म जरूर सुन रखी होगी, नॉन सैलरी बजट. इस पे भी हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इस कोर्स में. स्कूल साइट बजटिंग क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं. देन इफ अ स्कूल इज गोइंग टू यू नो बजट अ प्रोजेक्ट, इज गोइंग टू परफॉर्म बजटिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, then what is the procedure behind that, इसको भी हम पढ़ेंगे. ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा होगी. इसके बाद एक बहुत ही अहम टेक्निक जो हमारे कोर्स में पढ़ाई जाएगी वो है जीरो बेस्ड बजटिंग. और ये भी हम देखेंगे कि जीरो बेस्ड बजटिंग किस तरह कन्वेंशनल बजटिंग से डिफरेंट है और इसके क्या यू नो एडवांटेजेस हैं जो कि कन्वेंशनल बजटिंग में अचीव नहीं किए जा सकते. After that, we'll study a system that is called PPBE system, Planning, Programming, Budgeting, Evaluation System. After that, cash management, a very important topic. ये भी हमारे course का हिस्सा होगा. But I would repeat here कि हम cash management पढ़ेंगे educational institutes की, not of any you know multinational firm or organization or company, but of a school, of a college, of a university. Okay, educational institutes की cash management के बारे में भी बात करेंगे. और फिर ये इदारे अपनी costs को कैसे control करते, इस पर भी हमारी गुफ्तगू होगी. And after that, accounting and double entry bookkeeping पर भी थोड़ी सी बात करेंगे. Accounting और finance, you know, दो करीबी किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, आपने यकीनन सुन रखे होंगे. तो अकाउंटिंग के बारे में भी थोड़ा सा हम जरूर पढ़ेंगे इस कोर्स में.
MIS पढ़ेंगे, आजकल कंप्यूटर का दौर है, आपको पता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का दौर है, तो एजुकेशन फील्ड के हवाले से और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एजुकेशन के हवाले से हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की क्या अफादियत है। ऑडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, वो कैसे उनकी जांच पड़ताल करते हैं या करवाते हैं। एंड एट द एंड वी विल लुक एट द फाइनेंशियल एलोकेशन एंड इनइक्वालिटीज, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह एजुकेशन के लिए बजट एलोकेट किया जाता है और उसमें क्या इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं रिगार्डिंग डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट यू नो स्कूल सिस्टम्स। सो ऑल दीज कंटेंट्स विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स एंड आई होप कि इन तमाम कॉन्टेंट्स को पढ़ने के बाद आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हवाले से फाइनेंशियल नॉलेज में खातर खा तब्दीली आएगी। थैंक यू।